बच्चे देश की अनमोल धरोहर हैं और हर बच्चे का समुचित विकास हमारा अहम दायित्व है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस दायित्व को निभाते हुए एक परिकल्पना दी और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून ने इस परिकल्पना को शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र के रूप में साकार किया। ये है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून का शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र। इसी प्रारूप में 13 और केंद्र भिन्न भिन्न राज्यों, हमारे राष्ट्रीय संस्थान और CRC में भी तैयार किए गए हैं। ये केंद्र किसी भी प्रकार की दिव्यांगता के प्रति विशेष हस्तक्षेप और सहायता के लिए समर्पित है। इस केंद्र में जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की जाँच, थेरेपी, परामर्श, प्रशिक्षण और विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगता की चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दिव्यांगता का खतरा, विकासात्मक विकार और विकासात्मक विलंब के कारण दैनिक क्रियाकलापों में बाधा आने वाले बच्चों को सेवाएं दी जाएंगी। यहां आवागमन को सुगम बनाने के लिए यूनिवर्सल डिजाइन के आधार पर रैंप, रेलिंग और टेक्टाइल फर्श बनाए गए हैं। केंद्र में 10 कक्ष और 12 इकाइयां हैं। बच्चों को आकर्षित और उल्लासित करने के लिए दीवारों को मनमोहक रंगों और डिजाइन से सजाया गया है। केंद्र के आंतरिक क्रीड़ा स्थल में झूले और खेल के साधन उपलब्ध हैं। केंद्र ऐसे संसाधनों से पूर्ण है जिनसे बच्चों का पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास होगा। इस कक्ष में डिजिटल पंजीकरण होगा। यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, ENT और नेत्र विशेषज्ञ बच्चे का विस्तृत मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद सुनिश्चित करेंगे कि आगे किस तरह के उपचार की आवश्यकता होगी। भौतिक चिकित्सा कक्ष, यहाँ चलन एवं गामक संबंधी विकासात्मक कौशलों का मूल्यांकन और विकास किया जाएगा। यहाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाने और विकास की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक गतिविधियों का अभ्यास होगा। ये श्रवण, वाक एवं भाषा कक्ष है। यहाँ वाणी और भाषा से जुड़ी समस्याओं के समाधान किए जाएंगे ताकि संप्रेषण, वाणी, भाषा और श्रवण शक्ति का विकास हो। ट्रांस डिसिप्लिनरी ग्रुप थेरेपी कक्ष में विभिन्न विभागीय हस्तक्षेप पद्धतियों का समावेशित योजना के आधार पर बच्चों को एकल और समूह में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहु इंद्रिय एकीकरण कक्ष में श्रवण, दृष्टि और स्पर्श के अलावा अनेक संवेदनाओं को विकसित किया जाएगा। बहुउद्देशीय क्रियाकलाप कक्ष, यहाँ पर समूह थेरेपी दी जाएगी। इसमें संगीत, हस्तकला, कठपुतली कला, वाद्य कला, क्ले मॉडलिंग, योग, ड्रामा, चित्रकला आदि के माध्यम से भाषा संबंधी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कौशल का विकास किया जाएगा। सकारात्मक व्यवहार विकास कक्ष, बच्चे के विकास में अभिभावकों की अहम भूमिका को समझते हुए उन्हें लक्ष्यों की प्राप्ति में निर्णय निर्धारण प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाता है। इस कक्ष में बच्चे, परिवार और अभिभावकों को प्रशिक्षण और परामर्श दिया जाएगा ताकि वो बच्चों की स्थिति को समझ सकें और उनके विकास में पूर्ण भागीदार बन सकें। ऑक्यूपेशनल थेरेपी कक्ष में एकाग्रता, अनुभूति, याददाश्त, अधिगम और संज्ञानात्मक क्षमता आदि संवेदनाओं को विकसित कर उनके दैनिक क्रियाकलाप में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यहाँ आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए दैनिक क्रियाकलापों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र में शिशु दुग्धपान और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है जहाँ निजता का ध्यान रखा जाता है। इस बाह्य क्रीड़ा स्थल में अनेक प्रकार की प्ले थेरेपी दी जाएगी। शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में अभिभावक प्रतीक्षालय है और सुगम्य प्रसादन कक्ष की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। केंद्र स्वच्छ पानी की व्यवस्था, CCTV कैमरा, अग्निशमन यंत्र, 24 घंटे सुरक्षा कर्मी जैसी उच्चतम सुरक्षा व्यवस्था से लैस है। अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए EIC ने बहुत सारे अस्पतालों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अपने साथ जोड़ा है। निफवेड पिछले 76 वर्षों से केवल दृष्टिबाधितों को सेवाएं प्रदान कर रहा था, पर अब क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र के माध्यम से सभी दिव्यांगताओं की चुनौतियों वाले बच्चों को भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इन केंद्रों का उद्देश्य दिव्यांगता की शीघ्र पहचान कर उसके प्रभाव और गंभीरता को कम करना है। उम्मीदें, आशाएं, प्यार के साथ निपवेड में थामा बच्चों का हाथ।